गुमला के टोटो से आंजम धाम तक की सड़क विवादों के घेरे में आ गई है, जहां सुरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनुमति के बगैर ही सड़क का निर्माण कार्य में स्थानीय मजदूरों की बजाय भारी से भारी मशीनों का खुलेआम इस्तेमाल जैसे अनेक ऐसे कामों को संवेदक ने अंजाम दिया है जो सरासर गैरकानूनी है। वहीं गुमला के वन मंडल पदाधिकारी ये तो मानते हैं कि सुरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की अनुमति के बगैर इस प्रकार का निर्माण कार्य करना गैर कानूनी है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इस मामले में वन विभाग की लापरवाही से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि इस गैर कानूनी कार्य की जानकारी प्राप्त होते ही वन विभाग ने इस कार्य पर रोक लगा दी है। सरकार के द्वारा जो सुविधा होनी चाहिए आंजन धाम का, वो अभी तक नहीं हुआ है। और इसका जो खुदाई में जो निकला है मूर्ति, इसकी निगरानी विभाग से जिला प्रशासन और सरकार जांच कराए, तभी सच्चाई सामने आएगा। आंजम धाम समिति के सदस्यों एवं गुमला के स्थानीय लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण के दौरान खुदाई के काम में यहां से कई बहुमूल्य एवं दुर्लभ मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिन्हें वन विभाग, पथ निर्माण विभाग एवं संवेदक ने मिली भगत कर मूर्ति तस्करों के हाथों बेच दिया है। वन विभाग और जो है सो संवेदक और भी सबके मिली भगत के कारण जो है सो वहाँ बहुत सारी मूर्तियां जो हैं वो जो है सो गायब कर दिया गया है, जो है सो बहुत ही निंदनीय कार्य है। और इसके लिए जो है सो हम लोग सरकार के पास जो है सो मांग करेंगे कि ऐसे ऐसे जो भी इसमें लिप्त हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। यह स्पष्ट है कि वहाँ पर एक सब बीट है, और लेकिन पूर्व में जैसे आपको ज्ञात है कि वन रक्षकों की संख्या कुल मिला के यहाँ पर 8 ही थी, और यहाँ पर सब बीट कुल मिला के 53 है। तो आंजन सब बीट या आंजन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या उनके गांव में देखभाल करने के लिए उसमें वन कर्मी काफी कम मात्रा में थे। आज जो आपको वन कर्मी दिखाई देते हैं वो सितंबर 2017 में ही आए हैं। तो इस तरह से एक पर अतिरिक्त प्रभार भी होता है ढेर सारा, वह जरूर एक एक एक, एक महीने में रोकने में कामयाब हो गए, यह भी एक उपलब्धि ही मानी जाएगी। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पहले तो ये स्वीकार करते हैं कि यह निर्माण कार्य गैर कानूनी ढंग से हो रहा है एवं जिसके लिए इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन बाद में खुद ही यह कहकर अपने पहले वाले बयान से पलट जाते हैं। ये आरोप सरासर गलत है, कहे कि जो भी रोड वहाँ पहले से मौजूद था उसी रोड को काम करना है, और अभी तक जिस समय फॉरेस्ट से इंटेक्शन आया उस काम को बंद कर दिया गया है। वहाँ किसी तरह का इस तरह का कोई अवशेष नहीं मिला है, वहाँ काम एक्चुअली वहाँ काम हुआ ही नहीं है। जिस समय से फॉरेस्ट का वहाँ स्टॉप करने के लिए बोला गया काम को, तो वहाँ काम रोक के रखा गया है, जब तक फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं आएगा वहाँ कोई। इसके पहले भी इस संवेदक अल्टीमेट कंपनी द्वारा 46 करोड़ रुपए की बनाई गई सिसई भंडरा सड़क और 30 करोड़ रुपए से बनाई गई कम जरा बेड़ो सड़क विवादों में रही है। फिलहाल संवेदक ने अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल कर चैनपुर जेरागी पथ का काम हासिल कर लिया है, लेकिन सोचना होगा कि किसकी शह पर कंपनी ने नियमों और कानून की धज्जियां उड़ाई है। गुमला से संतोष कुमार की रिपोर्ट, एबीएन।